तुम्हें मुझे जो सजा देनी है, जो मेरे साथ करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों का दिल मत तोड़। आज दांव पर मेरे बेटे लगे, प्लीज उनकी खुशियां उनसे मत छीनो, प्लीज। वानी वानी की खुशियां मत छीनो, प्लीज। हम मिलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं ना? मुझे मेरी बहुओं को ले जाने दो, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। बंद करिए अपना ये ड्रामा, ये एक्टिंग। भाई इन्होंने मुझे बहुत मजबूर किया कि मैं रौनक से शादी करूं, नहीं तो ये वाणी दी की शादी अभी जीजू से नहीं होने देंगी। उनके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने रौनक से शादी के लिए हाँ बोल दिया था। भाई नो, आपको श्लोक नहीं पसंद और मैं भी श्लोक से शादी नहीं करना चाहती थी, पर मंडप पर श्लोक मम्मा का और भगवान का आशीर्वाद बनकर आया। सच्चा रिश्ता जुड़ा है मेरा श्लोक से, मुझे निभाना होगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे कैसे जाने दूं तुझे सुमित, कैसे मान लूं इस रिश्ते को? अरे वो श्लोक, उसको किसी ने मंडप में नहीं देखा, वो सामने नहीं आया, तेरे साथ आज खड़ा नहीं है, कैसे जाने दूं तुझे? भाई ट्रस्ट मी, वो कहीं फंस गया होगा। हाँ भाई वो जरूर कहीं फंस गया होगा, आपको पता है रौनक का असली चेहरा मेरे सामने श्लोक ने लाया था। उसे एक बार अपनी बीवी बना के घर ले आऊं, उसके बाद उसका हर सेकेंड यही रियलाइज कर पाऊंगा कि रौनक को मना करना उसे कितना भारी पड़ेगा। और उसकी असलियत जानने के बाद भी शगुन अपनी चाल में कामयाब हो रही थी मुझे ब्लैकमेल करके। कर लो, लेकिन कब तक? जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई उसे तो तुमने ठुकरा दिया, और जिसे किसी ने मंडप में देखा ही नहीं वो अब सामने आने को ही तैयार नहीं है। आज तुमने पति का नाम बदल के सुहाग का मजाक उड़ाया है सुमित। अगर श्लोक सामने नहीं आया तो अपने मांग में भरा हुआ ये सिंदूर, गले में पहना हुआ ये मंगलसूत्र आज नहीं तो कल निकाल के फेंकोगी। ये जो तुम्हारी मनमर्जियां चल रही है ना, इसका कसूरवार तुम्हारा भाई है, उसी ने तुम्हें सर चढ़ाकर बिगाड़ा है। एक भाई चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एक माँ की परवरिश नहीं दे सकता, कभी नहीं। पूनम आंटी ने कहा था रामगली, रामगली, रामगली के लिए तो मुझे टैक्सी बुक करनी चाहिए ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पीछे सुमित ही बैठी है? नहीं, ये श्लोक नहीं हो सकता, अगर श्लोक होता तो मुझे पहचान जाता।
अब तक तो अपने आलिशान घर से निकल के महंगी गाड़ी में बैठ के ससुराल पहुंच गई होगी। अगर श्लोक होता तो वानीदी की तरह मेरी भी विदाई होती और श्लोक मुझे अपने घर ले जाता, ना कि मुझे ऐसे अकेले अपने ससुराल का पता ढूंढते वहां पहुंचना पड़ता। फेंक के मेरे सर पे मार दी, मैं डिसबैलेंस हो गई इसलिए गिर पड़ी। ओह, रौनक भैया के साथ आई होगी। पर रौनक भैया कहाँ है, वो नहीं दिखाई दे रहे। और शगुन बड़ी माँ? नहीं, रौनक नहीं, श्लोक मुझे अपनी बाइक पर बैठा कर यहाँ लाए। क्या ये क्या बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ, अभी तुमने तो मुझे बाहर गली में ड्रॉप किया। ऐसे क्यों देख रहे हो? और तुम कहाँ चले गए थे मुझे वहां अकेला छोड़कर? कोई ऐसे करता है? कोई नई दुल्हन को ऐसे अकेला छोड़कर जाता है क्या? तुम्हें पता है वहां पर सब लोग कितने सवाल पूछ रहे थे? सब लोग बार बार पूछ रहे थे कि श्लोक कहाँ है, कहाँ चला गया श्लोक। और मेरे पास ना उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि तुम वहां थे ही नहीं मेरे साथ। इतने सारे कॉल्स किए, इतने सारे मैसेजेस किए, ना तो तुमने फोन उठाया ना मैसेज करे। हाँ तो क्यों कॉल करूँ मैं? हाँ, और कहाँ छोड़ा है, किसको? मैं फोन करूँ ना करूँ, उठा के फेंक दो अपना फोन, तुम्हारा क्या जा रहा है? और कौन है ये लोग जो पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? और ये सवाल तुम उससे पूछो जिससे तुम्हारी शादी हुई, समझी ना? उसी से तो पूछ रही हूँ। मतलब श्लोक क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे तुम्हें शादी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? क्या बकवास कर रही हो तुम यार? बकवास? तुमने घर में किसी को भी नहीं बताया है क्या? क्या नहीं बताया? बोलो क्या नहीं बताया? मैं साथ फेरे लिए हैं, शादी की है हमने। मेरी शादी रौनक से ना हो इसलिए तुमने मुझसे शादी की ना, मेरी लाइफ बर्बाद होने से बचाने के लिए। रुक, सच बताओ ना सबको प्लीज। क्या सच? कैसा सच? सच तो ये है कि मेरी तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई, और हाथ जोड़ रहा हूँ इससे पहले कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ आए तुम्हारे साथ, तो प्लीज अपने पति रौनक के घर चले जाओ। यार मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकता हूँ। सुमित निकलो यहाँ से। तेरी शादी और मेरे बेटे से, ये कैसा मजाक है? मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर पाल पोस कर बड़ा किया है। पैसा ना है हमारे पास, पर हमारे आदर्श, हमारे उसूल है हमारे पास, और तुम इस सब से दूर कई महलों में पली बड़ी बदतमीज लड़की हो। हम सबने अपनी आंखों से देखा था कि सुमित की शादी रौनक से हुई है। अब ये मत कह देना कि हम सब बंदे हैं। पकड़ लिया। पक्का भी कोई प्रैंक कर रहे हो ना आप और रौनक भैया? हम सबके साथ खेल खेलना चाहते हो ना, है ना? सही कहा आपी ने, ये तुम्हारा और रौनक का घटिया मजाक है ना, सही कह रहा हूँ ना? प्रैंक, झूठ, बस कीजिए आप सब। जस्ट बिकॉज मैं एक रिच फैमिली से हूँ उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे लिए रिश्ते मजाक है। हर बड़े घर में रहने वाले इंसान की सोच छोटी नहीं होती। मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि शादी के इस पवित्र रिश्ते को समझती हूँ मैं। अपना घर छोड़कर यहाँ ऐसे दुल्हन के जोड़े में खड़े होकर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ।
मंडप में मेरी शादी रौनक से नहीं श्लोक से हुई थी, इसलिए मैं यहाँ। रौनक जैसे घटिया लड़के से शादी करके तुम जिंदगी खराब करना चाहती हो अपनी? तुम कौन होती हो? मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मेरा फैसला, मुझे शादी करनी है। एक बात सुन लेना, अभी जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और बाहर जो लड़की खड़ी है ना, जो तमाशे कर रही है, उससे भी कोई बात ना करेगा। थोड़ी देर बाहर खड़ी रहेगी, रोएगी और अपने घर चली जाएगी। इतना बड़ा झूठ बोलते जुबान नहीं लड़खड़ाई उसकी। शादी किसी एक से की है और पति किसी और को बता। लोग तुम मान क्यों नहीं जाते कि मेरी शादी तुमसे ही हुई है? पता नहीं शगुन भाभी को पता भी है कि उनकी बहू यहाँ पे है। उनको बता दूं तो इस मुसीबत को यहाँ से लेके जाएंगे। अब तमाशा बहुत हो चुका, चलो पानी निकालो। पता नहीं शगुन भाभी क्या सोच रही होंगी, उनकी बहू मेरे बेटे को अपना पति मान रही है। ये लड़की तो आफत लेकर आई, भगवान ना करे वो यहाँ दोबारा वापस ना आ जाए। कहा था उसके साथ साये बनकर खड़ी रहना, कहा था ना? तो कहा है सुमित? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बुआ कि आपने कभी सुमित को अपना माना ही नहीं, क्योंकि वो सांगवान परिवार का खून थी, बहलावत का नहीं। आप हमेशा उसके साथ रूठ रही और मैं इस बात को टॉलरेट करता रहा, पर वो मेरी बहन है बुआ, और आप अच्छी तरह से जानती हैं वो कहाँ है। सही कहा तुमने, सुमित सिर्फ तुम्हारी बहन है। उसने भी हमें अपना नहीं माना कभी, उसने वही किया जो उसके दिल में आया। आज भी अपने मन से कहीं चली गई होगी। मुझे मेरी बहुओं को ले जाने दो। पर आप तो यही चाहती थी ना कि वो विदा होकर शगुन के घर चली जाए। अगर बुआ सुमित की जगह हमारी वानी होती तो क्या वानी पर भी ऐसा ही दबाव डालती? मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला राज। तुम्हें नहीं शायद उसे अकल आ गई होगी कि शादी के बाद एक लड़की का घर उसका मायका नहीं उसका ससुराल होता है। नहीं, चाहे दुनिया हिलानी पड़े, सारी रस्में सारे रीत बदलने पड़े, लेकिन मैं अपनी लाडो को। सुमित यार ये पागलपन बंद करो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ। यार घर लौट जाओ सुमित, यार प्लीज, तुम्हारी जिद के आगे तुम्हारा बकवास सच नहीं हो जाएगा सुमित, प्लीज यार। श्लोक मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, हमारी शादी हुई है, मैं नहीं जाने वाली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें मानना पड़ेगा।
है बस। शादी हुई है तुम मान क्या नहीं सुमित, तुम प्लीज अपने घर लौट चलो। क्या कर रही है? मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊं। प्लीज यार चलो, मैं तुम्हें भाई के पास छोड़ आता हूं यार। प्लीज सुमित, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो श्लोक? तुम जानते हो हमारी शादी हुई है, मैं झूठी नहीं हूँ। अरे यार मैं रौनक से शादी करने जा रही हूँ। एक कमी की वजह से उसके 10+ पॉइंट्स को इग्नोर कर देना इज नॉट सेंसिबल। पैसा, करियर, सक्सेस सब कुछ है उसके पास। तुमने वो गलती ना की होती तो मुझे श्लोक को मंडप में नहीं बिठाना पड़ता। और सुमित आज तुम्हारी बीवी होती। और ना सुमित श्लोक को मंडप में देखती और ना आज वो इस बात पर अड़ी होती कि श्लोक उसका पति है। श्लोक रौनक, पागल हो गया मेरे को तुम। अमित जी जी, क्या हुआ? आग कैसे लग गई? ये वो वानी बेटा, वो हवा बहुत चल रही थी ना तो उसकी वजह से लैंप गिर गया और स्पार्क से आग लग गई। बट वानी बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो तुम अभय के पास जा। मम्मी जी इसकी कोई जरूरत नहीं, रौनक है ना। I'm here. जा, ठीक है। सही लग रहा है? ठंड कम हुई? पहले से काफी कम। तो मतलब अब हम बात कर सकते हैं, है ना? तो बोलो सच क्या है? क्या सच? सुमित सच। सच ही मैंने तुमसे शादी की। सच सुमित, सच सच सुमित, सच। देखो सुमित, इस कमरे में ना और कोई नहीं है, तो बोलो सच क्या है? क्यों तुम दुनिया से कह रही हो कि मैंने तुमसे शादी की है?
अगर ग्लास तोड़ने से अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हैं ना, तो मैं इस घर की सारी चीजें तोड़ देती हूँ। लो, 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 लो। क्या तुम्हारा रईस भाई का घर नहीं है जो तुम चीजें उठा के फेंकती रहो? माँ मैं बस क्या सच में तूने इस लड़की के साथ शादी की है? क्या बोल रहे हो माँ? नहीं श्लोक, खा मेरी कसम और बोल कि तूने इस लड़की के साथ शादी ना की है। श्लोक उन लड़कों जैसा नहीं है जो माँ की कसम झूठी खा जाए। अब श्लोक झूठ नहीं बोलेगा, अब तो उसे सच बोलना ही पड़ेगा। माँ ये किस बात पर कसम खिलवा रही हो? आपको यकीन नहीं है मुझ पे? कसम खा श्लोक, वरना मैं अंजल त्याग दूंगी। कसम श्लोक, मां तेरे सर की कसम, मैंने अपने होश आवाज में सुमित से शादी नहीं की है। पुलिस को फोन लगा। क्यों मां, पुलिस को क्यों फोन लगाऊं? भले ही सारी करतूत इस लड़की ने की है, लेकिन कल इसका पैसे वाला भाई हमारे परिवार पर उल्टा इल्जाम ना लगाए कि हमने उसके साथ कुछ गलत किया है। इससे पहले ऐसा कुछ हो हम पुलिस को बता देंगे कि ये जोर जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है, हम पर दबाव डाल रही है। कल को इसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम जिम्मेदार ना है। और रही तुम्हारी बात, तो 21 दिन, बस 21 दिन चाहिए मुझे इस शादी को प्रूफ करने के लिए। अगर मेरा विश्वास सच्चा है, आपकी परवरिश अच्छी है, तो जो शादी मैंने की है, जिसमें मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिला है, वो शादी झूठी नहीं है। मैं साबित कर दूंगी कि मेरी शादी श्लोक से हुई है। दे दीजिए इसे 21 दिन। अगर 21 दिन में ये प्रूव नहीं कर पाई कि श्लोक तुम्हारा पति है, तो तुम्हें तुम्हारा और मेरा रिश्ता एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है?
नहीं भाई, ये मेरी लड़ाई है और इसे मैं लड़ना चाहती हूँ अकेले। जीत हुई तो भी मेरी होगी और हार हुई तो भी मेरी। भाई लड़ूंगी नहीं तो सीखूंगी कैसे? तू अपने भाई की बात नहीं मानेगी? तो ठीक है, आज तुझे अपनी जिद और अपने भाई में से किसी एक को चुनना होगा। तू मेरी लाडो, तू मेरी बहना, खुशियां बांटी किससे बांटे, मीत के दिन के हम तो मांगे, अब बस तेरे सपनों में रहना, सच्ची मुच्ची दिल का कहना, मैं तेरी लाडो मैं तेरी बहना। चीकू तू अपनी बहन का साथ कदे ना छोड़ेगा, वादा कर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि देश की हर लड़की सुपरस्टार रौनक पर मरती है, पर रौनक के दिल की मलिका है सुमित, और कल ही सुमित से रौनक की शादी हुई थी और सुमित ने रौनक की जिंदगी, विश्वास और प्यार को पूरी तरह बर्बाद करते हुए उन्हें अपना पति मानने से ही इनकार कर दिया है। और अब सुमित श्लोक नाम के इंसान के साथ रह रही है, वंडर बॉय रॉकस्टार रौनक। अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके हैं, उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी भी नाजुक है और उनके फैंस के बीच इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है। और निकल श्लोक, हमारे वंडर बॉय का प्यार जिनके अंदर खून से भरा है। क्या कर रहा है रौनक के चाहने वालों की भीड़ तो देख, चल गुस्सा देख, ताऊ जी बात करने की हालत नहीं है, सुनने की हालत नहीं है, क्या बात करेगा उनसे। बाहर निकल, घर के अंदर चूहे की तरह दुखा हुआ है, बाहर निकल, ओए निकल बाहर वरना कल आग लगा देंगे। ताऊ जी ताऊ जी भाई करो, ताऊ जी आप तो इधर आ जाओ, आप इधर आओ। और इस नाते मैं आप सबसे कह रही हूँ, श्लोक और उसकी फैमिली की तरफ कदम बढ़ाने से पहले आपको मेरा सामना करना होगा। मेरी शादी श्लोक से हुई है, रौनक से नहीं।
एक लड़की जब इतनी मजबूती से दुनिया से लड़ती है, अपनी बात पर अड़ी रहती है, तो इसका मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर है। अपनी जिद के बदले इसे कुछ तो चाहिए। कैसा तेरा प्यार, कैसी तेरी वफा? कैसा तेरा प्यार, कैसी तेरी वफा? सुमित को सबक सिखाना जरूरी है। इसे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करो कि सुमित बेवफा है। मैंने किसी को चीट नहीं किया, मैं बेवफा नहीं हूँ। स्टॉप पे, मैंने किसी को चीट नहीं किया। आप लोग भी अंदर चलिए। अरे हाथ जोड़ रहा हूं मां, प्लीज अंदर जाइए यार। एक मां कुछ भी सह सकती है, लेकिन अपने बेटे का दर्द ना सह सकती। जो कुछ भी हो उसे मेरा दिल बैठ गया है। अगर तेरे कारण मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, तो मैं तो खत्म हो जाऊंगी और इसके जिम्मेदार तू होगी। ऐसे क्या देख रही है? वो बहुत सालों बाद माँ के हाथ की पट्टी लगी है ना, तो दर्द नहीं बस खुशी हो रही है। मैं माना हूँ तेरे, और ना ही कभी बन पाऊंगी। किसी झूठी उम्मीद में ना रहे तो इस घर में तेरा कोई रिश्ता नहीं बनने वाला। सार्थक जीजू की दुकान की बिल बुक, जिसमें सैटरडे का कोई बिल नहीं है, क्योंकि सैटरडे को सार्थक जीजू की दुकान खुलती ही नहीं है, और हमारी शादी सैटरडे को हुई है। इसका मतलब साफ है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम दुकान पर थे ही नहीं। आज तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, कल सच्चाई भी सामने आ जाएगी। ये रही ज़ादी लड़की है ना, वो अपना पाप छुपाने के लिए जबरदस्ती मेरे श्लोक की पत्नी होने का नाटक कर रही है, लेकिन मैं उसे इस घर में और श्लोक की जिंदगी में टिकने ना दूंगी। लेकिन उससे पहले हमें हमें पक्का करना होगा कि वो पेड़ से है कि नहीं। बिन माँ बाप के भाई के लाड़ प्यार में पली बड़ी लड़की है ये, ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला। तो मुझे पक्का यकीन है कि ये लड़की बिगड़ेल है, किसी और का पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है। लेकिन ये साबित करने के लिए हमें पहले सबूत ढूंढने होंगे। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
वो प्रेग्नेंट है। क्या चटकारे लेकर अचार खा रही है वो? हाँ, लेकिन इससे उसका झूठ थोड़ी ना पकड़ा जा सकता है। आंटी, मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए आपको एक नाटक में मेरा साथ देना होगा। नाड़ा, मैं कोई नाटक वाटक ना करूंगी। आंटी जी, बस आप मेरा साथ दे दीजिए। आंटी जी प्लीज। आज तक ना मैंने कोई झूठ बोला है ना कोई नाटक रचा है, लेकिन मेरा बेटा इस मुसीबत में फंसा है ना, तो आंटी जी ये धागा है ना मेरी दोस्त हरिद्वार से लेकर आई थी, और माना जाता है कि अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो और इसे दूध में डुबोकर भगवान के चरणों से छूकर अगर इसे पहन लेना तो उसका बच्चा बहुत भाग्यशाली होता है। अरे पर बिट्टी, हमारे घर में कोई पेट से थोड़ी ना है। तू एक काम करना, इस धागे को ना भगवान के सामने जाके रख देना, मैं अंजू और पंखुड़ी को दे दूंगी। हाँ जा। ठीक है। देखना ये जरूर धागा उठाएगी। बस 21 दिन चाहिए मुझे इस शादी को प्रूफ करने के लिए। भगवान जी, आप तो जानते हैं ना कि मेरी शादी श्लोक से हुई है, बस ये सच मैं सबके सामने ले आऊं। सुमित, अगर ये चला जाएगा तो मेरी मुंह दिखाई की रसम कौन करेगा? आइए भैया, अपनी बीवी का घूंघट उठाकर मुंह दिखाई की रसम पूरी कीजिए। दूल्हे राजा, संभल के। दुल्हन की खूबसूरती देख के फिसल मत जाना। हाँ हाँ वंडर बॉय, जरा संभल के।
दी को भी मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है कि मेरी शादी रौनक से नहीं श्लोक से हुई है। से होगी जिससे शादी हुई है। सुमुख